जनपद स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में समस्त जनपद के 8 ब्लॉक के बच्चे यहाँ प्रतिभा करने आए हैं। GIC बनबुलपुरा, GIC गुनिया लेक और उसके बाद बालिका विद्यालय के बच्चे अपने प्रोजेक्ट, अपने मॉडल, अपने चार्ट लुक के साथ यहाँ पर दिखाने के लिए उपस्थित हैं। उनके साथ उनकी मेंटर, उनकी गाइड टीचर यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। निरीक्षक महोदय अपना निर्णायक मंडल अपना निर्णय देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। बच्चे कुछ वर्किंग मॉडल भी लेकर आए हैं। निर्णायकों का निर्णय काफी गंभीरता से उनके उस प्रोजेक्ट को सुन रहे हैं। GIC पियोड़ा के बच्चे मल्टीपर्पज एम्बुलेंस गाड़ी स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने को प्रोजेक्ट के रूप में बना के लाए हैं। आप इसके बारे में बताएं थोड़ा। शहरों की बात करते हैं, शहरों में जो बहुत ट्रैफिक होता है तो जो एम्बुलेंस से कहीं दुर्घटना होती है तो एम्बुलेंस बहुत देरी से पहुंचती है, जिससे कोई मरीज बहुत कम रूप से भी अगर घायल हुआ हो तो उसकी भी जान जा सकती है। या फिर अगर हम गांव की बात करते हैं, जो हमारे जो शहरी इलाकों से बहुत दूर होते हैं तो वहाँ की जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कोई भी सुविधाएँ नहीं होती है, तो ये एम्बुलेंस वहाँ पर काम कर सकती है। जैसे इस एम्बुलेंस में हमने एरोप्लेन की वो भी स्ट्रक्चर की, एरोप्लेन जो होता है बहुत कम समय में अधिक से अधिक दूरी को तय कर सकता है, तो ये हमने इसमें स्ट्रक्चर लिया है जो कि ये उड़कर जो क्रिटिकल कंडीशन है पेशेंट की उसको जान सकता है और उसे हॉस्पिटल पहुँचा सकता है। जी, जैसे हल्द्वानी के बच्चों ने हल्द्वानी को ही मॉडल को यहाँ पर गणितीय रूप में दिखाने का प्रयास किया है। स्टेडियम को जानते हैं बच्चों से इसका प्रारूप। सर, हमने इस आकृतियों को नए रूप में दिखाया है स्टेडियम के रूप में। इस स्टेडियम में हमें कई प्रकार की आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि ये वृत्त सर्कल, ये वर्ग स्क्वायर, आयत रेक्टेंगल और ये अंडाकार ओवल, अष्टभुज यानी आभुजावल और ये रेक्टेंगल यानी रेखा, ये खंडित और अखंडित दोनों हो सकते हैं। और इस आकृति में हमें 80 डिग्री के कोण प्राप्त होते हैं। हमारे साथ हैं जिला विज्ञान समन्वयक श्रीमान BM तिवारी जी। आइए हम उनसे जानते हैं इस जनपदीय महोत्सव की तैयारियां, कार्यक्रम और उसके संबंध में। ये जनपद विज्ञान महोत्सव एक SCERT का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसमें बच्चों में ज्ञान विज्ञान के प्रति बच्चों को प्रेरित करने के लिए बच्चे 3 तरह की गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं। पहली होती है विज्ञान प्रदर्शनी, दूसरा है विज्ञान मेला, तीसरा है विज्ञान ड्रामा। विज्ञान मेले में 2 वर्ग होते हैं, जूनियर और सीनियर वर्ग। जूनियर में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे प्रतिभाग करते हैं और सीनियर वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। तो इसमें जो मुख्य विषय के अतिरिक्त जो सब 6 उप विषय होते हैं उसके अंतर्गत जूनियर और सीनियर वर्ग में बच्चे मॉडल्स के द्वारा अपने विज्ञान की जितनी सोच है उसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से विज्ञान मेले में व्यक्तिगत और टीम प्रोजेक्ट होता है। व्यक्तिगत प्रोजेक्ट में एक बच्चा अपने मार्गदर्शक शिक्षक के साथ एक किसी विज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कोई मॉडल बनाता है। इसी तरह से टीम प्रोजेक्ट में बच्चे 2 बच्चे अपने मार्गदर्शक शिक्षक के साथ एक प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। इसी तरह से विज्ञान मेले में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे विज्ञान की थीम, जो इस बार हमारी थीम है विज्ञान और समाज, इसमें डिजिटल इंडिया है चाहे स्वच्छता अभियान से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इस पर अपना आधे घंटे का एक ड्रामा प्रस्तुत करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर मैंने डिजिटल इंडिया पे अपना ड्रामा दिखा रहे हैं तो डिजिटल इंडिया किस तरह से भारत में उसकी प्रगति हो रही है या कैसे प्रगति कर सकता है, या स्वच्छ भारत अभियान पर कार्यक्रम कर रहे हैं, नदियों की सफाई पर कोई अपनी क्या कहते हैं अपना ड्रामा दिखा रहे हैं, तो इस पर एक आधे घंटे का बहुत विज्ञान की सोच को प्रदर्शित करते हुए अपना ड्रामा दिखाया जाता है। तो ये सब एक्टिविटीज इस विज्ञान महोत्सव के 2 दिन के कार्यक्रम में हमारी होगी, जो 6 और 7 तारीख को ललित आर्य महिला इंटर कॉलेज में चल रहा है। इसमें हमारे जो निर्णायक मंडल है इसमें भी हमारे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के डॉक्टर्स का, वहाँ के प्राचार्य महोदय का सहयोग मिला है, वो हमारे निर्णायक बने हैं और क्योंकि हमारा स्वास्थ्य और एक अपशिष्ट प्रबंधन पे
एक सब टॉपिक है, तो उसके लिए हमको उसी विषय विशेषज्ञ निर्णायक चाहिए थे जो हमको उपलब्ध हुए हैं। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात रही कि हमें जैसा हमारा उप विषय था वैसे ही हमें विषय विशेषज्ञ मिले हैं। इसमें डाइट के जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं वो हमारे यहाँ निर्णायक की भूमिका में है, तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारे यहाँ सम्पन्न हो रहा है। और इसके अंतर्गत फिर हम जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आएंगे विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान मेले में, वो अपने वो हमारे जनपद का नैनीताल जनपद का प्रतिभाग करेंगे राज्य विज्ञान महोत्सव में, जो 15 से लेकर 18 तक भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश में हो रहा है। और विज्ञान ड्रामा की जो सर्वश्रेष्ठ टीम है, जो 8 ब्लॉक के जो हमारे विज्ञान ड्रामा की टीम आई है, उनमें से जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगी टीम वो राज्य विज्ञान महोत्सव में नैनीताल जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। जीआईसी रामनगर के बच्चे ने मकान की छत पर खेती को कॉन्सेप्ट के रूप में शामिल किया है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर टैंक और नहाने के पानी और रसोई के पानी को वाटर टैंक के माध्यम से मोटर के माध्यम से छत पर डालना और हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन करने का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। ये बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। जीजीएससी तल्ला रामगढ़ से मैडम पंत अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर आई हैं, जिनका मूल्यांकन निर्णायक मंडल के द्वारा किया जा रहा है। आइए हम उनसे जानते हैं मैडम से कि मैडम का क्या कॉन्सेप्ट है। सर, हमारे बच्चे जैसी तल्ला रामगढ़ से हैं और विज्ञान मेला में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक कामिनी हरनवाल हमारे यहाँ से एयर कूलर बना के लाई हैं प्रोजेक्ट के तौर पर, और दो बच्चियाँ कल्पना और प्रियंका ये JCB का फंक्शनिंग समझा। अच्छा, निर्णायक मंडल के द्वारा गंभीरता से प्रश्न पूछते हुए जनपदीय विज्ञान प्रतियोगिता में GIC पदमपुरी से बच्चे आए हैं, अपने गाइड और सहयोगी अभिभावक के साथ भी यहां पहुंचे हैं, क्योंकि विद्यालय जनपद के बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थापित है। बच्चों ने अपना एक वर्किंग मॉडल दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें ऊर्जा को एक विषय बनाया है। GHS छड़तो कणिया से बच्चे अपने मॉडल को लेकर के यहां उपस्थित हुए हैं, उनके साथ हैं उनके गाइड। आइए उनसे पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने किस तरह बच्चों को प्रेरित किया करता है। बच्चों को द्वारा खुशियों बनाया गया है और किस तरह से विकास नवाचार विज्ञान संसाधन प्रबंधन किस तरह से संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकता है बच्चों को बताया गया। तो बच्चों को ये बताया गया जो बारिश का पानी किस तरह से उसको उपयोग किया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग, तो बच्चों द्वारा खुद इसको बनाया गया। बच्चों से आप पूछ लीजिएगा। स्वस्थ जीवन और स्वस्थ रहने पर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है, पिरामिड के रूप में। जीतुआ पीपल से आए हैं बच्चे जो ये प्रोजेक्ट को लेकर अगर उस जल को हम सिंचित करके छोटे छोटे डैम बनाकर ऐसे कई प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं सर। तो जैसे सर इसमें आटा पी सकते हैं सर, और इसी से विद्युत उत्पादन होगा सर, और कुछ जो इससे निकलता हुआ जल होगा सर उसे हम खेतों में ले जाएंगे सिंचाई करेंगे सर। आज सर सिंचाई करके उस पानी को आगे देंगे सर, और उसको हम मुर्गी वाड़ा बनाएंगे सर।
उसे हम सीधे कंपोस्ट चेक करते हैं, उसे हम उस पानी में सफाई करते हैं और उसको दूसरे कंपोस्ट चेक करते हैं, भेजकर बांध कर नीचे पे वो तरल खाद प्राप्त करते हैं सर। और आवश्यकता अनुसार लिक्विड पौधों के क्या सर लिक्विड उसको हम आवश्यकता अनुसार पौधों में डालेंगे। बच्चों की रचनात्मकता का एक उदाहरण ये भी है कि बच्चों ने प्रोजेक्टर बनाए हैं जो कि वर्किंग मॉडल के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं। आपका नाम? गुरकीरत सिंह। निर्णायक मंडल के द्वारा बच्चों का प्रोजेक्ट देखा जा रहा है। जनपद स्तरीय विज्ञान महोत्सव में बच्चे विभिन्न मॉडल और चार्ट और प्रोजेक्ट बनाकर लाए हैं। एक प्रोजेक्ट हमारे सामने हाइड्रोलिक जेसीबी का भी है। हाइड्रोलिक जेसीबी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसी तरह के अन्य मॉडल और प्रोजेक्ट बच्चे पटरानी, ओखलकांडा, जनपद के समस्त विद्यालयों से बच्चे आए हैं और उनके गाइड, उनके मेंटर, अपने टीचर बच्चों को लेकर के यहाँ प्रतिभाग करने के लिए पहुँचे हैं। दो तरह के शिफ्ट होते हैं, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट ये प्रूव कर रहा है जितने भी स्टार्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमने स्टार्स से लाइट आ रही है तो उस लाइट की वेवलेंथ रिकॉर्ड करी। ठीक है, आप तो यहीं पर हो ऑब्जर्वर, जब उसको रिकॉर्ड किया तो पाया गया कि जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है।